दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है कुछ डिफरेंट रेसिपी है हमारी ऑमलेट सैंडविच की तो क्योंकि अब बच्चे अंडा पराठा फ्रेंच टोस्ट, रोज की उनकी यही होती है और क्या ब्रेकफास्ट में दें तो अब थोड़ा चेंज लाइए और थोड़ा चेंज स्टाइल में आप ऑमलेट को बनाएंगे तो उसके लिए हमने लिए हैं तीन अंडे दो भी ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अपने टेस्ट के हिसाब से नमक काली मिर्च ऐड की है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट थोड़ा मैंने और ही ले लिया है अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है दूध मैंने शामिल किया है एक चौथाई यानी वन कप फोर्थ कप तो अब मिक्स कर लिया उसको मिक्सचर बना लिया यहाँ मैंने वन टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है सिर्फ फैलाने के लिए स्प्रेड करने के लिए ताकि हमारा अंडा या ऑमलेट चिपके नहीं तो अब इसमें हमने मिक्सचर ऐड कर लेना है अच्छा कोई बड़ा पैन यूज कीजिएगा ताकि आराम से बन सके हमारा ये सैंडविच अच्छा जी अब हमने इसमें फौरन ही ऐड कर देने हैं दो स्लाइस ब्रेड के इस तरह से इसको पलट लें ताकि यहां ऊपर वाले हिस्से पे भी अंडे से कवर हो जाए अच्छे से अब ऑमलेट को देर थोड़ी देर छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से हल्की आंच पे पकने दें थोड़ी देर बस जैसे ही आ, सेट होने लगे तो हमने अपना काम शुरू करना है इसके ऊपर तो कोई भी रात का बचा सालन हो कुछ भी हो कीमा हो वेजिटेबल गोभी आलू कुछ भी आलू की भुजिया आलू के कतले होते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं इस इसपे तो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दे मेरे पास पिज्जा क्योंकि मेरी जो स्टफिंग है वो पिज्जा रोल की स्टफिंग है तो बची हुई थी बच गई थी तो मैंने वो इसमें ऐड किया है तो फिर तो कमाल ही बना था ये और ज्यादा चीज ऐड कर लें इसके अंदर बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है चीज इसमें ऐड करें नहीं भी है चीज कोई जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कि इससे कोई टेस्ट खराब हो जाएगा या बनेगा नहीं उसके बगैर भी बनेगा और अच्छा ही बनेगा या अंडे से वैसे ही कवर हो जाएगा तो इस तरह से अब ये सेट हो चुका नीचे से अंडा तो इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है अब ये हमने ये जो एक ब्रेड के पीस से दूसरे ब्रेड को कवर कर देना है और डन बन गया चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं बस चीज़ मेल्ट होना है और ये ऑल ऑलमोस्ट रेडी है हमारा तो बस चीज़ें वही हैं सब बस तरीका डिफरेंट है अच्छा भी लगेगा बच्चों को नया भी कुछ ट्राई होगा तो ट्राई कीजिए इसको बहुत अच्छा बनता है और अंदर से वैसे ही चीज़ तो बच्चों को वैसे ही पसंद होता है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अच्छा पिज्जा रोल की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी बना चुकी थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई तो मैं नेक्स्ट टाइम अब जब बनाऊंगी तो फिर उससे जरूर आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी होते यकीन करें आप वो ट्राई करेंगे भूल जाएंगे स्प्रिंग रोल बहुत ही बेस्ट बनती है पिज्जा रोल तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो